कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। दल को मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है, कौन क्या बोलते हैं उसमें जाना चाहिए, सब लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, बोलते हैं। मैं इतना जानता हूं कि हमें कांग्रेसी होने में कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए लड़िए सब लोग मिल करके, लेकिन 24 तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होने दीजिए। कलेक्टिव होते सामने में, बड़े भाई के रूप में कांग्रेस को रखते, सामने में राहुल गांधी जी को रखते। हम इतना जानते हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जनता पूरे देश। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पूर्णिया में चुनाव समाप्त हो गया है और अब बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों की तरफ हर दल रुख कर रहा है। ऐसे में पप्पू यादव, जिनकी चर्चा खूब हो रही थी पूर्णिया चुनाव के दरमियान, आपने भी देखा कई तस्वीरें वहां से निकल के सामने आई थी, और अब पप्पू यादव पूर्णिया से पटना पहुंच गए हैं, हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर, पूर्णिया में एक जबरदस्त तैयारी करके आप वहां से चुनाव कराकर पटना आ गए हैं, हमने देखा आपकी तबीयत भी काफी खराब चल रही है, बावजूद इसके आप अभी भी डटे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? अच्छा, 9 महीने के बाद एक बार जांच तो जरूरी होती है ना। चुनाव और राजनीति तो सतत प्रक्रिया है, वो तो चलती रहेगी, अब वो कंप्लीट सांसों में है। सेवा को भी आप तबीयत खराब से जोड़ दीजिए, मदद को भी जोड़ दीजिए, सेवा मदद को तबीयत खराब से क्या लेना देना। राजनीति अभी चौथा चार चरण चुनाव बाकी है, तो जो सेकुलर लोग हैं और जो देश के लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी संविधान के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो उनका जो दायित्व है एक सच्चे सिपाही के रूप में, इंडियन होने का नाते, एक इंसान होने के नाते, वो मैं करता रहता हूँ और वो मैं करूँगा, आगे भी मैं करूँगा, अभी भी मैं कर रहा हूँ, और जहाँ तक प्रयास होता है उस प्रयास को मैं सफल बनाने में लगूँगा। कांग्रेस की सीटें हैं, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, जहाँ भी मैं, तो मैं पहले भी आपको बोला कि एक सीट जो मेरे लिए व्यक्तिगत, मैं वहाँ जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं शहाबुद्दीन साहब के साथ, जिन्होंने शहादत दी एक दल के लिए, एक व्यक्ति के लिए, वो मेरा पर्सनल लेवल पर है, और वहाँ हमारे साथी की पूरी भावनाएं और हमारी शुभकामना। नहीं, जरूरत होगी तो मैं जाऊंगा, जरूरत उन्होंने महसूस करेंगे, हिना साहब यदि समझेंगे कि पप्पू जी को आना चाहिए, मैं परिवार का हिस्सा हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता, मैं हमेशा परिवार की तरह जाता रहा हूँ और परिवार की तरह कभी भी जा सकता। लालू यादव की बेटी है मीसा भारती रोहिणी आचार्य, परिवार का हिस्सा अभी भी मानते हैं उनको, प्रचार प्रसार में जाएंगे? मैं पहले भी कहा कि प्रचार प्रसार हमारी हैसियत और औकात तो बहुत है नहीं, लोग बड़े लीडर हैं, वक्त ने उन लोगों को बड़ा बनाया है, तो हमारे जो साथी जो नेता हमारे उस लोकसभा में होंगे वो मजबूती के साथ जो भी मदद हो सकती हो हम लोग खड़े रहेंगे। मीसा जी का विरोध, वहाँ के दो दो विधायक चुपचाप रहते हैं, तो क्यों रहते हैं? ये जिम्मेदारी दल की है, दल को मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है। दल हमेशा सामने में 2025 रख लेना, अभी 2025 तो एक साल बाकी है, सवा साल बाकी है, अभी तो सामने में लक्ष्य है एक पीएम बनाना राहुल गांधी जी को, अभी तो कांग्रेस नेतृत्व के साथ बड़े गठबंधन, बड़े दिल के साथ हमको काम करने की जरूरत है, और अभी भी हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। देखिए, पूर्णिया में जो होना था हो गया, उसकी चिंता ना करिए, वो जनता का चुनाव था और वो माँ और बेटे के बीच का चुनाव था, पूरी दुनिया पप्पू यादव को मिटाना चाहिए, और पूर्णिया की जनता जो, जिसको मैं माँ मानता हूँ, जहाँ से मट्टी का खून का रिश्ता है, उसने अपने बच्चों को बचाया होगा, दिल की, सबने दिल की गहराइयों में लिया, मेरे लिए दल के कोई दीवार नहीं रही, सारे दल के वर्कर पप्पू यादव के सब पे हाजिर थे, सारे दल के वोटर पप्पू यादव के साथ खड़े थे, तो इसीलिए पूर्णिया की चिंता नहीं है। पूर्णिया आप छोड़िए, पूर्णिया में जो हुआ है, एनडीए इंडिया जो करना था, सारे देश के लोग एक ही व्यक्ति को खत्म करने की तैयारी, 10-10 करोड़ 40 करोड़ रुपया बांटना सबको मिल करके, सारे पदाधिकारी उस सिस्टम का एक व्यक्ति को समाप्त करने की कोशिश, वो बात गई, उसको
भूल जाने की जरूरत है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों बड़ी ताकतवर चीज है। तो हम तो क्षमा मांगने वाले भी लोग हैं, क्षमा करने की तो क्षमता हमारी है नहीं। तो हम ही चाहेंगे कि सब कुछ भूल करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। और लेकिन सर आप जिस तरीके से कांग्रेस को अपने आप को मानते हैं, हमने देखा आज हर जगह कांग्रेस का बैनर आपने लगा रखा है, लेकिन बिहार में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि नहीं पप्पू यादव जी ने तो पार्टी विलय कराया ही नहीं है अपना, है कि नहीं है, कौन क्या बोलते हैं उसमें जाना चाहिए। सब लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, जिनको जो मन में आता है बोलते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि हमें कांग्रेसी होने में कोई दिक्कत नहीं ना है, मैडम कांग्रेस में है ना, और हमें कांग्रेसी होने में क्या दिक्कत है, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चलते हैं तो कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के नेता का ब्लेसिंग और विश्वास मेरे साथ है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे साथ है। तो राहुल गांधी आपके प्रचार प्रसार में नहीं आए? ये जौहरी थोड़ी है, राहुल जी के सब जगह थोड़ी जाते हैं। भागलपुर में तो गए थे, राहुल जी तो यात्रा के समय आए थे, भागलपुर में गए थे, एक जगह उनको जाना था। जो लोग चाहते थे राहुल गांधी जी या प्रियंका जी या खड़गे जी को लाना, जो आप जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का लीडर आपके साथ बिहार वाले नहीं है, मैं कैसे मानूं नहीं है, मेरे साथ है तब तो कोई हमारे विरोध में नहीं गए, कैसे मानूं मेरे साथ नहीं है। मेरे विरोध में एक वर्कर गए, सारे कांग्रेस के वर्कर मेरे साथ खड़े थे। तो सर नेता जाते ना यदि मेरा विरोध होता तो, कांग्रेस को तो ये लोग कांग्रेस के सयाह नहीं जाते हैं, एक बार नहीं गए किशनगंज, सब जगह आप कैंप करते हैं और कहीं कांग्रेस के यहाँ जाते ही नहीं है। कांग्रेस के प्रति भैया, कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है देश में, कांग्रेस को लोग देख रहा है देश, कौन पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी जी के सामने, सबको ये संभावना है। और यहाँ आप 24-25 का चुनाव लड़िएगा, और यहाँ आपके नेतृत्व में 25 में आपके नेतृत्व में चुनाव हो ना भाई, चलिए लड़िए सब लोग मिल करके, लेकिन 24 तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होने दीजिए, बस यही है। तो क्या लगता है सर, कई जगहों पर सीटों का जो बंटवारा हुआ, कई लोगों को लूप में रखा गया राजद की तरफ से, सीटें हल्की बांटी गई हैं? उस सब में नहीं जाता, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई मतलब, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम लोग को इंडिया गठबंधन के लिए अभी जो कांग्रेस है, सीपीएम है, जो जिस दल की अपना दायित्व है वो निभाते हैं, उसमें पप्पू यादव का क्या मतलब। मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत मजबूती से काम कर सकते थे, हम लोग बहुत आगे, हम तो समझते हैं कि यदि 40 विधायक एमपी का सीट है तो हम 25-30 भी जा सकते थे, हम 20 आधा आधा की स्थिति में हम हो सकते हैं, होने की संभावना होती है। हम लोग मिलके लड़ते, कलेक्टिव होते, सामने में बड़े भाई के रूप में कांग्रेस को रखते, सामने में राहुल गांधी जी को रखते, राहुल गांधी जी का अधिक से अधिक प्रणाम हम लगाते, तो राहुल गांधी का प्रणाम भी तो आप नहीं लगा रहे, वो तो पप्पू, हाँ राहुल गांधी जी का प्रणाम आपको लगाने की जरूरत थी, आप मांगते राहुल, नहीं तो प्रियंका जी के प्रणाम को यहाँ लगाने की जरूरत थी, और भी लोग थे लाने की जरूरत है, तो अकेले ही मियाँ मिठू सभी चीज में बनना। तो मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं तो उस वक्त भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, सर राहुल गांधी के प्रचार प्रसार में आप जाएंगे? सिपाही हूँ तो जाना ही चाहिए, जो एक छोटी भी की गिलहरी की तरह मैं कर सकता हूँ जरूर करूँगा, जरूर प्रयास करूँगा, और एकदम जाने दिल की गहराइयों से जाने की भाव को मैं समझता हूँ कि मैं हिस्सा बनूँ अपने नेताओं। इंडिया गठबंधन बिहार में कितनी सीटें ला रही है? अब ये चीज हम भविष्यवाणी, हमारे पास ईडी सीबीआई पैसा थोड़ी है, और हमारे पास बड़ा बड़ा ईवीएम मशीन, हैकिंग हाईजैक थोड़े है। हम इतना जानते हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ, जनता पूरे देश में बीजेपी की लहर नहीं है, और पूरे देश में ग्राउंड पे लहर नहीं है, सिर्फ मीडिया पैसे वालों के बीच में लहर है, जो बड़े पैसे वाले मिडिल क्लास व्यापारी कमजोर नहीं। मुझे लगता है कि देश में 240-250 क्रॉस करना एनडीए गठबंधन को लिए बहुत मुश्किल होगी, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कोई लहर नहीं है। बाद बाकी हम लोग आज भी चार और बचा हुआ है, तीन के बाद दूसरा चरण, तीसरा चरण, चार चरण मिल करके यदि हम लोग काम करेंगे, मैं तो चाहता हूँ काम करना, तो चार चरण यदि हम लोग मिल के काम करें
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं साथ मिलकर सब जगह जाएंगे सर प्रचार प्रसार में। निश्चित रूप से हम देखिए, मैंने तो अभी कह ही दिया कि कांग्रेस माले सीपीआई और एक मेरा व्यक्तिगत है जो रिश्ता है हिना साहब के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन यदि हम आज भी मिल के काम करते हैं तो जो भी हुआ उसको हम और भी सक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग को सक्सेस करना चाहिए और भूल जाइए कि कौन कांग्रेसी है कौन कांग्रेसी नहीं है। मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूंगा। चलिए, पप्पू यादव थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी ही रहेंगे। अन्य जगहों पर बाकी जो चरण बचे हुए हैं वहां प्रचार प्रसार करने के लिए जाएंगे। हिना साहब के लिए भी ये सिवान में जल्द ही उतर जाएंगे चुनाव मैदान में। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट आपको दिन भर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।